हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड। और अभी हमारा न्यू चैनल है, इसमें एसेंशली जो है हम लोग कवर करेंगे पूरी वर्ल्ड की न्यूज़। तो आज जो है मैं देख रहा था न्यूज़, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक न्यूज़ आई है जिसको मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। पेरेंट्स हु नेवर स्टॉप्ड सर्चिंग रीयूनाइट विद अ सन अबडक्टेड 24 ईयर्स अगो। 24 साल पहले इनके बच्चे को चाइना में किडनैप किया था, मगर उनके जो फादर हैं ये 24 साल तक अपने बच्चे को ढूंढते रहे। ये इनकी मोटरसाइकिल है और यहाँ इन्होंने ये झंडे लगा रखे हैं, झंडे में अपने बच्चे की फोटो 2.5 साल की और कुछ लिखा हुआ है। जगह जगह पूरे इन्होंने घूमा और अब जो है वो बच्चा 26 साल का हो गया है और यहाँ ये रीयूनाइट हो रहा है। ये उसकी मदर हैं, ये इसके फादर हैं और ये बच्चा है। तो ये जबरदस्त एक न्यूज थी। और बेसिकली हुआ ये था कि गुओ गैंगटैंग, ये फादर का नाम है, और जेंग वेंगे जो है मदर का नाम है। और जो है उन्होंने जो है बेसिकली शैनडोंग में वो रहते थे। शैनडोंग में यहाँ पे जो है बच्चे के साथ रियूनियन हुआ है। और वो जो उसके फादर थे गुओ गैंगटैंग, ये जो है एक एक्टिविस्ट बन गए थे। तो अभी तक इनका बच्चा मिला था, 24 साल तक जो बच्चे को ढूंढ रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, खुद ही वो एक्टिविस्ट बन गए। जहां पर भी बच्चों किडनैप, बच्चों को बचाना था, उन्होंने बचाया, पुलिस की मदद की आइडेंटिफाई करने में कि कहां बच्चे किडनैप हुए थे, और उनको पेरेंट्स से उन्होंने मिलवाया। अब हुआ ये था कि जब 2.5 साल का उनका बच्चा था, उसका नाम था गुओ जिंगजेन, तो ये उनके बच्चे का नाम है, जब वो 2.5 साल का था, तो एक औरत और उसका बॉयफ्रेंड आए और उन्होंने जो है उसको गायब कर लिया हेबे प्रोविंस से, जो बोल रहे हैं सराउंड करता है इस बीजिंग एरिया को, और फिर वो बच्चे को जो है वहां से लेके चले गए बीजिंग, ठीक है। और वहां पे उन्होंने सेल किया उस बच्चे को, बीजिंग में सेल किया उस बच्चे को, और जिन्होंने लिया उस बच्चे को वो कहीं सेंट्रल चाइना में रहते थे। तो सोचे क्या हुआ, बेसिकली शैनडोंग से बच्चा किडनैप किया, लेके गए बीजिंग एरिया में, बच्चे को बेचा, और जो जिन्होंने बच्चे को लिया वो कोई सेंट्रल चाइना में लेके आ गए। और बच्चा फाइनली कहाँ मिला, 24 साल बाद हेनान में। तो हेनान में बच्चा एक्चुअली रहता है, तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं मिला होगा। अब जो है ये कह रहे हैं कि अबडक्शंस जो हैं वो बहुत ही रेगुलरली रिपोर्ट होते हैं चाइना में, बहुत ही रेगुलरली रिपोर्ट होते हैं चाइना में। अब देखेंगे क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है। तो क्या कि उससे पहले देखिए ये कहां, मतलब इतनी जबरदस्त ये न्यूज कवरेज हुई है। ये तो मैंने सिर्फ छोटी सी जरा सी लगाई है NDTV में, मैन यूनाइटेड विद हिज सन हु वाज अबडक्टेड 24 साल पहले, पेरेंट्स जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिन्होंने कभी अपने बच्चे को मतलब ढूंढते रह गए 24 साल तक। ट्रिब्यून जो इंडिया का न्यूज़पेपर है उसमें ये था कि 24 साल के बाद बच्चे से मिले अपने फादर, यूनाइटेड विद अबडक्टेड सन आफ्टर 24 इयर्स। और वियोन में अगेन चाइनीज मैन यूनाइटेड विद आफ्टर 24 इयर्स। देखिए डिटर्मिनेशन, किसी के फादर ने मतलब इतना, अगर आपका बच्चा गुमा ऑब्वियस है कि आप कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, और ऐसा लगता है कि उनकी मदर से बच्चा गुमा था और वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। उनके फादर जो हैं 24 साल तक बच्चे को ढूंढते रहे। अब यहाँ पे देखिए क्या ये प्रॉब्लम क्यों हाई है, क्योंकि वहां पे जो है वन चाइल्ड पॉलिसी थी। 2015 में उस पॉलिसी को हटा दिया था, मगर तब तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या है, आप सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हैं। तो लोगों को ये था कि जब बच्चा होगा, अगर लड़की हो गई तो उनका नाम कौन आगे लेके जाएगा, उनका वंश कैसे आगे जाएगा। तो उन्होंने अडॉप्ट करने लग गए लड़कों को। तो अडॉप्ट करने लग गए तो डिमांड आ गई लड़कों की, तो बेसिकली वहां पे अबडक्शन चालू हो गया। वहां पे लोग जो है बच्चों को किडनैप करते थे और किडनैप करने के बाद उनको अडॉप्शन के लिए दे देते थे। अगर लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं तो उनको देते थे जिनको उस बच्ची को एज ए मेड सर्वेंट यूज करना है या ब्राइड चाहिए अपने सन के लिए। तो मतलब ये बुरा हाल हो चुका था वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, कि मतलब
इतनी डिमांड कि किडनैप हो रहे हैं बच्चे अडॉप्शन के लिए, लड़के लड़कियों को या तो सर्वेंट बनना पड़ रहा है या ब्राइड के लिए फॉर देयर सन। तो पुलिस ने क्या किया, मतलब उन्होंने जो है सर्च किया अपने डेटाबेस को, और जो छोटा बच्चा था, ये छोटा बच्चा है, ये उसके फादर हैं, ये फादर हैं, और 2.5 साल का ये बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा जो मतलब किडनैप हुआ था, उन्होंने इस बच्चे की इमेज निकाली जो आज के समय पे कैसी इमेज होगी, आज के समय पे जो इमेज होगी उसको कंपेयर किया जो उनके डेटाबेस में इमेजेस थी, और फिर जाके कुछ मैचेस आए। तो उन्होंने सर्च किया डेटाबेस को, और फॉर पीपल हु लुक लाइक ही माइट एज एन एडल्ट, मतलब ये छोटे बच्चे की इमेज प्रोग्रेस करिए, आज ये बच्चा कैसा लगता होगा वो इमेज फाइंड करिए, उससे मैच करिए लोगों से, और जब वो मैचेस कुछ आ गए तो डीएनए टेस्ट किया, और डीएनए टेस्ट से वो बच्चा मिल गया। अब किडनैपर्स क्या करते हैं, ये उन्हीं बच्चों को मतलब बेसिकली किडनैप करते हैं जो बहुत ही यंग है, जिनको अपने नाम तक नहीं पता और अपने होम टाउन तक नहीं पता। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनको अबडक्ट किया होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको हो सकता है किडनैप किया हो, अबडक्ट किया हो, उनको खुद नहीं पता कि उनको अबडक्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब उनको किडनैप किया था, और उनको ना अपना नाम याद है ओरिजिनल, ना अपना होम टाउन याद है। अब इस क्योंकि जब ये मिस्टर गाव जो हैं, जो फादर जो हैं, जब अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे 14 साल तक, तो अराउंड, तो फिर क्या है कि बहुत मतलब उनका नाम हो गया, जगह जगह सिटी में जा रहे हैं अपनी बाइक में, यहाँ पे मैं दिखाऊँ ये बाइक है उनकी, अपनी बाइक में जगह जगह जा रहे हैं वो अपने बच्चे के लेके, तो मतलब काफी उनका नाम हो गया था, और असेंशली उनपे एक मूवी बनी लॉस्ट एंड लव एक मूवी जो है, ये हांगकॉन्ग में के एक्टर हैं एंडी लाओ, तो हांगकॉन्ग के एक्टर हैं, तो एक मूवी बनी थी और लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट की थी, मगर जिस वक्त ये मूवी बनी थी उनको अपना बच्चा नहीं मिला था, वो सिर्फ दिखा रहे थे कि देखिए ये एक ये मूवी का सीन है, ये एक्टर्स हैं और इस मूवी के सीन में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके फादर जो हैं अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा। और उसके बाद जो देखेंगे फाइनली जो उनका बच्चे थे, उनका बच्चे का नाम था ग्वाओ जिनजेंग, और उनका जो बच्चा है वो हेनान प्रोविंस में रहता है, और उसको अभी तक जो है नहीं पता कि वो अबडक्ट हुआ था कि नहीं, ये क्लियर नहीं है, मतलब अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या उस बच्चे को पता भी है, जो 26 साल का बच्चा, क्या उसे पता भी है कि वो अबडक्ट हुआ था। और ये लोग हैं जिन्होंने मतलब 24 साल पहले किडनैपिंग की थी, ये पकड़े गए हैं, ये टैंग और हु जो हैं ये पकड़े गए हैं, और इसके बाद इन्होंने एक्चुअली मल्टीपल बच्चों को चोरी की थी, 3 बच्चे थे, एक तो यही हैं ग्वाओ जिनजेक, 2 और बच्चे हैं वो पता नहीं, पता करेंगे कौन है वो बच्चे, और इनको ट्रायल होगी, और पॉसिबल भी है कि इनको जो है मैक्सिमम पेनल्टी डेथ की भी है। और जो उनके फादर हैं, ये फादर उनकी 10 मोटरसाइकिल 24 साल में खत्म हो गई, चला चला के, और 30 प्रोविंसेस आउट ऑफ 34 चाइना के प्रोविंसेस में वो घूमते रहे। अब ये है कि प्रोविंस का मतलब स्टेट कह सकते हैं, तो 34 स्टेट में से समझ लीजिए 30 स्टेट में 24 साल उनके फादर मोटरसाइकिल में घूमते रहे, जगह जगह जाके ऐसे झंडे लगा के लोगों को पैम्फलेट्स दे के, भाई मेरा बच्चा है, ढाई, उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि अरे 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, नहीं, वो करते चले गए 24 साल तक करते चले गए, तब जाके उनका बच्चा मिला। और जो है उनको ऑपरेट करने के लिए उनकी छोटी सी दुकान है बेजिंग में, जो आर्ट वर्क वगैरह सेल करते हैं, और इसमें देखने वाली बात है कि उनके फादर मतलब इस बच्चे के ग्रैंड फादर, ये जो बच्चा है इनके फादर ये हैं ग्वाओ, और इनके फादर भी हैं, वो काम ही करते रह गए 70 साल तक कि जिससे वो अपने बच्चे को फंड कर सके कि मेरा बच्चा जो है मोटरसाइकिलों में जा सके, मेरे ग्रैंडसन को ढूंढ सके, उसके लिए क्योंकि पैसा चाहिए था, तो इनके फादर जो है काम करते रह गए। और रिलेटिव्स भी हैं, उन्होंने भी पैसा दिया कि भाई हमारे खानदान का एक बच्चा जो है किडनैप हुआ था, उसे ढूंढना जरूरी है। और देखिए इतनी डिटर्मिनेशन पूरी फैमिली की, एक ग्रैंडफादर की जो 70 साल तक काम करते रहे, उनका बच्चा जो मोटरसाइकिल में 24 साल घूमता रहा, और फिर वो ग्रैंडसन जिसे फाइनली इन्होंने ढूंढ लिया है 24 साल बाद।
और जो है ये फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो ये बेसिकली जो है ये घूमे थे, और ये जो है ये घूमे थे, और इवेंचुअली ये उनके फादर हैं और ये इनकी मदर। और मदर बड़ी गिल्टी हो रही थी, वो कह रही थी कि भाई मैंने मेरी वॉच में मैं देखभाल करी थी, तब बच्चा घुमा था और मतलब मैं आज तक सो नहीं पाई हूँ। और देखिए यहाँ पे कितना इमोशन आ रहा है कि फाइनली उनको राहत मिली है कि थैंक गॉड मतलब सब ठीक हो गया। तो ये मैं शेयर करना चाहता था आपसे, बहुत ही अमेजिंग न्यूज है चाइना में डिटर्मिनेशन, और आपने रीजन भी देखे कि क्यों वहां इतनी अबडक्शन हो रही है। ऑफ कोर्स 2015 के बाद उन्होंने वो पॉलिसी हटा दी थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद अबडक्शंस कम हो गए हैं, मगर अब जो है जगह जगह लोग जो है अपने ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, मतलब बच्चों का अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में हमारा डीएनए आ जाए, जिससे अगर कभी आपको कोई बच्चा मिलता है जिसका डीएनए हमसे मैच होता है तो प्लीज आ रिपोर्ट करिए। काफी बढ़िया न्यूज थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।